अस्सलाम वालेकुम, जिसमें प्रत्याशी को आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि यिंग यांग सिंबल किस तरह से बनता है डबल सीटर के अंदर। कंग फू पांडा तो आपने मूवी देखी होगी, उसके अंदर जो एक चाइनीज टाइप का एक सिंबल होता है यिंग यांग का, वो बनाना हम देखेंगे डबल सीटर के अंदर। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हियर वी गो। यिंग यांग सिंबल बनाने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर शिफ्ट में जाकर रिलीफ टूल सेलेक्ट करना है, क्लिक करके 150 बाय 150 का एक सर्किल बनाना है। ठीक है, आप क्या करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ प्रेस करके एक डुप्लीकेट लेंगे, इसकी हाइट और विड्थ दे देंगे हम 75। ठीक है, अब इस वाले सर्किल की हमें एक और डुप्लीकेट चाहिए इधर, तो कंट्रोल सी कंट्रोल एफ प्रेस करके इस वाले शेप के साथ हमने सेलेक्ट करके इसको राइट अलाइन कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, अच्छा पहले क्या करना है, इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी प्रेस करके रखना है, अभी एफ प्रेस नहीं करना, हमें इनकी और डुप्लीकेट चाहिए। अभी सिंपली क्या करेंगे, पहले इन तीनों शेप्स को सिलेक्ट किया, यहाँ पर शेप बिल्डर पर गए, शेप बिल्डर पर जाने के बाद आपने एक बार इसको यहाँ पर इस तरह से फेर दिया, दूसरी बार आपने इस तरह से इस वाले शेप पे फेर दिया। और क्या करूँगा, कंट्रोल एफ प्रेस करूँगा क्योंकि मुझे सर्किल और सर्किल दोबारा चाहिए थे। अब इनको क्या करूँगा, ये जो दोनों सर्किल मैंने डुप्लीकेट लिए हैं इनको मैं 30 पे रख देता हूँ। अच्छा, इसको मैं ट्रांसफॉर्म पे आगे इसको सेंटर लाइन कर देता हूँ इस तरह से, तो ये सेंटर में इसकी छोटा होकर आएगा। इसको मैं 40 कर देता हूँ, 40 या 30 कर देता है। ठीक है, 30 पे रखा, इसको भी मैं 30 कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ इस तरह से, रोटेट कर लिया। अब सिंपली क्या करूँगा, इस वाले को शेप को सिलेक्ट करके मैंने इसका फिल मैंने कर दिया ब्लैक, स्ट्रोक मैंने कर दिया इसका ऑफ, और ये वाले शेप को सिलेक्ट करके मैंने सर्कल को सिलेक्ट करके इसको भी मैंने ब्लैक कर दिया, इसका मैंने स्ट्रोक ऑफ कर दिया, और ये वाला जो शेप है इसका मैंने स्ट्रोक देना है 5 या 10 का दे देते हैं, लेकिन इसको स्ट्रोक को इनसाइड करेंगे अलाइन इनसाइड, और सबको सिलेक्ट करके इसको ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड अपीयरेंस कर लूँगा। अब मैं ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड अपीयरेंस कर लूँगा मैं। ठीक है, और शेप बिल्डर लेके ये वाला पार्ट निकाल दिया और ये वाला पार्ट निकाल दिया, और तीनों शेप्स को सिलेक्ट करके आपने क्या करना है, पाथफाइंडर में आके इनको यूनाइट कर लेना है। तो इस तरह से आपके पास एक यिंग यांग सिंबल बन जाएगा। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इस वीडियो से आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा कि बेसिक शेप्स की मदद से यिंग यांग सिंबल किस तरह से बनता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोज़ को शेयर करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।